इकोसिस्टम देर आर टू कंपोनेंट एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में बच्चों कौन आ गया, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड माने एयर, वाटर, मिनरल, सॉयल, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक में आ गया। बायोटिक में प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक कंपोनेंट को हमने इकोसिस्टम के लिहाज से प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में बांटा। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर आर प्रिपेयरिंग फूड बाय यूजिंग वाटर, मिनरल, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, और अपना ग्रोथ करते हैं और बाकी फूड एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, हेटरोट्रॉप्स, वो तो बना नहीं सकते अपना भोजन, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही भोजन लेते हैं। तो जो पहले प्रोड्यूसर से लिया वो हर्बीवोरस है, प्राइमरी कंज्यूमर, उसको जिसने खाया वो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी को जो खाया वो टर्शियरी कंज्यूमर, और सबसे बाद में जो खाया उसको वो टॉप कंज्यूमर हो गया। लेकिन इन सबका एक लाइफ स्पैन है, एक निश्चित जीवन के बाद ये सब खत्म, जैसे पौधा भी खत्म होगा, इंसेक्ट भी खत्म, ये सब। तो जब ये डेड करके जमीन पे आएंगे, तो जमीन पे आएंगे तो इनको डिकम्पोज कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया भी हैं और फंगस भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सम बैक्टीरिया एंड सम फंगस some bacteria and some fungus, these are decomposing the dead remains of producer and consumer. The decomposer or the microorganism which compose करके इनको decompose, जैसे cattle dung है उनको decompose, सूखी पत्तियां हैं, मान लीजिए पत्तियां टूट के आ गई, सूखी पत्तियां, कोई insect है इसको decompose किया तो अपनी energy लेगा, microorganism क्या करेगा उससे, अपनी energy लेगा। यहाँ कोई mushroom है, देखा है ना मशरूम गली का सड़ी गली चीजों पे उगता है, तो यहाँ डिकम्पोज लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा और इनको डिकम्पोज करके फिर इसका मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फिर ए बायोटिक कंपोनेंट मैंने सॉइल में रिलीज कर देगा ताकि फिर से दूसरा प्रोड्यूसर ले और फिर से फ्लो ऑफ एनर्जी मटेरियल होता रहे। तो एक सिस्टम में तीनों का होना जरूरी है, प्रोड्यूसर का भी, कंज्यूमर का भी और डिकम्पोजर का भी। तो प्रोड्यूसर मिनरल वाटर लेकर के, लाइट लेकर, सीओटू भोजन बनाया, अपने ग्रो किया और इसको कंज्यूमर ने खाया। लेकिन जब ये डेड करेंगे तो इनको डीकम्पोजर, ये डीकम्पोजर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड सम फंगस, ये क्या करेंगे, इनको डिकम्पोज करके एनर्जी लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे और फिर से मिनरल्स को, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, व्हाट एवर मिनरल इसमें है, सबको फिर से रिलीज कर देंगे ताकि फिर दूसरा प्रोड्यूसर होंगे, फिर वो ले और फिर फूड एनर्जी बनाए, स्टोर करे और उसको इकोसिस्टम में फ्लो होते रहे। ठीक है ना, तो ये रहा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम।